नमस्कार, इंडिया टीवी पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज की पांच बड़ी खबरें। दिल्ली एक्साइज घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत एक्साइज डिपार्टमेंट के कई अफसरों और शराब कारोबारियों के यहां सीबीआई के छापे पड़े हैं। 7 राज्यों में 21 जगहों पर सीबीआई ने आज सुबह छापे मारे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने सीबीआई छापे पर कहा कि पहले भी कुछ नहीं निकला और अब भी कुछ नहीं निकलेगा। वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सीबीआई के पास सिसोदिया के खिलाफ पक्के सबूत हैं और दिल्ली को लूटने वालों को जेल जाना ही पड़ेगा। दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में भारत की राजधानी दिल्ली और कोलकाता भी शामिल है। हेल्थ इफेक्ट्स इंस्टीट्यूट की ओर से जारी की गई लिस्ट के अनुसार औसत वार्षिक पीएम 2.5 के लिहाज से भारत में दिल्ली और कोलकाता सबसे प्रदूषित शहर हैं। लिस्ट में दिल्ली पहले नंबर पर रही तो वहीं कोलकाता दूसरे नंबर पर रहा। मुंबई इस लिस्ट में 14वें स्थान पर है। इन तीन शहरों के अलावा टॉप 20 में भारत का एक भी शहर नहीं है। इस रिसर्च के लिए दुनिया के 7000 शहरों को शामिल किया गया, जिसमें 103 शहर ऐसे हैं जो सबसे ज्यादा प्रदूषित हैं। राजधानी दिल्ली में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 1964 नए मामले सामने आए हैं। वहीं कोरोना से 8 लोगों की मौत हो गई। हालांकि कोरोना पॉजिटिव रेट, जो कि पिछले दिनों 20% तक पहुंच गया था, उसमें कुछ कमी आई है। वहीं पूरे देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,700 से ज्यादा नए मामले सामने आए और करीब 15,200 लोग ठीक हुए। अभी देश में कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या 1,00,000 से ज्यादा है। जाने माने कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव की हालत काफी नाजुक है। दिन ब दिन उनकी हालत बिगड़ती जा रही है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता के एक प्रसिद्ध न्यूरोलॉजिस्ट को उनके इलाज के लिए दिल्ली बुलाया गया है। राजू श्रीवास्तव को 10 अगस्त को दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद से वो दिल्ली के एम्स अस्पताल में भर्ती हैं। राजू श्रीवास्तव को वेंटिलेटर पर रखा गया है। राजू के फैंस उम्मीद का दामन थामे हुए हैं और उनके जल्द स्वस्थ होने की दुआ कर रहे हैं। श्री कृष्ण जन्माष्टमी का त्यौहार आज देश भर में धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। देश भर में मंदिरों को सजाया गया है। मथुरा वृंदावन में भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी है। वहीं द्वारका, मुंबई समेत देश के मंदिरों में जबरदस्त उत्साह नजर आ रहा है। जन्माष्टमी के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को बधाई दी है। पीएम मोदी ने कहा कि भक्ति और उल्लास का यह उत्सव हर किसी के जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य लेकर आए।